तो उमर अब्दुल्ला देखिए वो तो दावे करते रहते हैं, उन्होंने परसों ये भी बोला कि वो इंजीनियर रशीद को सपोर्ट करते कि आगरा उनको पहले पता होती, बट आपको पता होगा AIP वो वाहिद पार्टी जिसने सबसे पहले ऐलान किया था कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ेंगे। और देखिए वो जो सब बात करते कि हम बाकी कश्मीर मजलूमों को जेलों से छुड़ाएंगे, इंजीनियर रशीद तो उनके पॉलिटिकल कलीग थे, 10-12 साल उनके साथ रहे, उन्होंने उनकी बात नहीं की। देखिए बाकी लोगों का हम बोल नहीं सकते कि पॉलिटिशियंस को उनके साथ उठना बैठना है, लेकिन इंजीनियर रशीद हम कहेंगे एक हिसाब से पॉलिटिकली उनमें से ही थे, भले ही उनका नज़रिया अलग है, उनसे नज़रिया मिलता नहीं, बट ही वॉज देयर पॉलिटिकल कलीग, उन्होंने उसकी बात नहीं करी 5 साल तक। तो हम इनसे उम्मीद क्या करते कि बाकी उन मजलूम कश्मीरी की बात करेंगे जो उनको जानते तक नहीं है। 20 तारीख के लोगों के लिए मुझे लगता है अपील अब कुछ बची नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि उनको क्या करना है, लोगों ने दिखा दिया कि वो हक के साथ है, वो सच के साथ है, और इंशाल्लाह जीत इंसानियत की होगी, जीत हक की होगी, जीत सच की होगी। बिल्कुल आप देखिए लोग भले ही कम निकले थे, लेकिन इंजीनियर रशीद ने जो इनके हकूक की बात की थी वो बहुत बड़ी बात थी, और इंशाल्लाह ये लोगों का प्यार है जो वापस मिल रहा है इंजीनियर रशीद के लिए, मुझे मिल रहा है, मेरे बड़े भाई को मिल रहा है, इंशाल्लाह 20 जी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आपको शायद सब कुछ जाहिर है जो दिख रहा है पूरे न सिर्फ नॉर्थ कश्मीर बल्कि कश्मीर के हर एक कोने से बस एक आवाज़ गूंज रही है। भले ही आपने इंजीनियर रशीद को पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में नज़र बंद रखा है, लेकिन वो फिर भी आज हर एक कश्मीरी के दिल में बसता है, हर एक कश्मीरी के चेहरे पर इंजीनियर रशीद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल देखिए इंजीनियर रशीद वाहिद वो सियासतदान है कश्मीर के जो तिहाड़ जेल में भेजेगी, आप बाकियों को देखिए वो 5 स्टार में रहे, उनकी बिल दैट वॉज विद इन करोड़, तो इंजीनियर रशीद वो वाहिद सियासतदान है जो कश्मीर मजलूमों के बीच में रहे हैं। तो जो बिल्कुल सब बंद इंजीनियर रशीद, मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियर रशीद से बेहतर उनका कोई दर्द समझ सकता है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में रहे, वहाँ पे बहुत से कश्मीरी मजलूम बेगुनाही की सज़ा काट रहे, और आपका इन लोगों का जो वोट है उससे न सिर्फ इंजीनियर रशीद बाहर आएंगे बल्कि वो उन सब की आवाज़ बनेंगे जो आज तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में बेगुनाही की सज़ा काट रहे, जिनके लिए आज तक किसी ने बात नहीं की।